देखिए आज हम बनाएंगे खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी के लिए ली है, दाल मैंने धो लिया है, तो मैंने चावल ले ली है। तो मैंने कच्चा चावल लिया है और दाल और चावल, जिससे कि हमने चावल दो भाग लिए तो उसमें दाल मैंने एक भाग लिया है, क्योंकि खिचड़ी में थोड़ा दाल ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है, खिचड़ी टेस्टिंग बनती है। और मैंने जुगाड़ की है, मसाले वाला बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए खिचड़ी में मैं डालने के लिए ली हूँ, मैंने प्याज काट ली है, टमाटर, और मैंने बिना छीले हुए मैंने आलू भी काट लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में मेरे को बनाना था इसलिए मैंने आलू नहीं छीले। उसमें मैंने चार मिर्ची ली है। तो चलिए हम बनाते हैं कच्चा चावल की खिचड़ी। तो हमारा ये कुकर गरम हो गया है और तड़के के मैंने ली है तेजपत्ता और जीरा। मैंने तड़के के लिए तेजपत्ता और जीरा ले ली। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, मैं तड़के अब मैं डालूंगी प्याज इसमें। कुकर में बनाऊंगी अच्छी तरह से, और मैं अब आलू को भी इसी में ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारा आलू है वो प्याज के साथ ही भिग जाएगा। तो मैं आलू प्याज के साथ ही खिचड़ी भून दे रही हूँ, और आलू प्याज एक साथ भून दे रही हूँ। तो मसालेदार वाला मैं खिचड़ी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है मसालेदार वाली, क्योंकि सिर्फ हल्दी डाल के हमें नहीं पसंद करती है, तो मैं हल्दी डाल के नहीं बनाती। इसमें थोड़ा सोयाबीन रहता, मटर रहता, गोभी रहता, तो इससे टेस्ट और भी ज़्यादा आता। तो हमारे पास फिलहाल ये नहीं है, तो मैं सिर्फ आलू ही डाल के खिचड़ी बना रही हूँ। तो देखिए मैं अभी से अच्छी तरह से भूजूंगी, तब तक मैं मसाला की तैयारी करती हूँ। तो मैंने ये आलू थोड़ा भून लिया है, देख सकते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी टमाटर, टमाटर डाल देती हूँ। साथ में मैंने जो चार मिर्ची ली थी वो भी मैं डाल दी, इसको अच्छी तरह से चला लेती हूँ। खिचड़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैं इस खिचड़ी आज बना रही हूँ, क्योंकि आज बड़ी देर से भूख लगी है, मैं आज कहीं चली गई थी। मैं इस बाउल में डाल लेती हूँ काली मिर्च, इसमें हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ, तुम्हें कितना पीला करना है उस हिसाब से मैं हल्दी पाउडर ले लेती हूँ, और हमारे ये लाल मिर्च पाउडर है, तो हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ले लेते हैं, कि थोड़ा अच्छा लगता है चटकदार, तो मैं लाल मिर्च पाउडर ले ली हूँ। उसके बाद हम गरम मसाला थोड़ा ले लेंगे, क्योंकि खिचड़ी के लिए जितना ही थोड़ा मसाला का टेस्ट अलग हो जाता है, मैं इसको थोड़ा गरम मसाला ही ले लेती हूँ। अभी हमारा मसाला तैयार हो गया। अगर कि आपको हल्दी मिर्चा कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो मेरा ये तैयार हो गया। मैं नमक भी ली हूँ, तो नमक को मैं ऐड कर लूँगी इसमें। देख सकते हैं हमारा आलू भिजा दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसमें मैं मसाला को ऐड कर ले रही हूँ। तो मसालेदार खिचड़ी का टेस्ट कुछ अच्छा लगता है, तो हम मसालेदार ही खाते हैं खिचड़ी, क्योंकि उसमें
जो स्वाद आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो हमें हल्दी वाला हमें से किसी को नहीं पसंद। तो मैंने चलो कच्चा चावल के आज खिचड़ी बनाती हूँ। मैं मसाला को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं। मसाला हमारा ये भुजा गया है, हम नमक ऐड कर लेते हैं इसमें। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमारा आलू भी लगता है सूख गया है। इसमें मैं चावल और दाल को डाल लूंगी। अरे एक साथ डाल ले रही हूँ और डाल के हमारा एक से सिर्फ दो सीटी लगाऊंगी तो हमारा खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अब भाई अब ये हमारा स्पाइसी खिचड़ी बनके तैयार हो गया है।